हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज हम एक स्टोरी सुनाने वाले हैं जो कि है एक डॉग के पास uh, 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 कुछ साल पहले एक आदमी ने डॉग शेल्टर से एक डॉग अडोप्ट किया मैं बहुत खुश था क्योंकि उसे अपने घर में एक कुत्ते की ज़रूरत थी और वह कुत्ता भी बहुत खुश था जब वह कुत्ता अडोप्ट कर रहा था उसे नहीं पता था कि कुत्ता इतना भावात्मक होगा जैसे ही वो घर में उस कुत्ते को लेकर आता है कुत्ता नया घर देख बहुत खुश हो जाता है कुछ ही मिनटों में डॉग घर के सभी सदस्यों के साथ घुल मिल जाता है उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती है मानो उसका कोई सपना साकार हो गया हो उसके रहने के लिए उसके मालिक ने अपने बेडरूम के पास जगह दी वहाँ एक ग्रिल लगवा दी ताकि वह कुत्ता उसके बेडरूम में ना आ सके वो बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग था सुबह अखबार लाने से लेकर दादी की सैर कराने तक कर वो का वो हर चीज़ का ध्यान रखता ऐसा करते हुए कई दिन बीत गए लेकिन एक रात अचानक उसके मालिक ने उसकी एक अजीब आदत नोटिस की रात में जब वह आदमी पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि उसका कुत्ता उसे ग्रिल पर अपने अगले दोनों पैर रखे हुए खड़ा है और उसे देख रहा है उसे लगा कि वो देख रहा होगा कि मैं क्यों उठा हूँ इस बात को उसे कुछ खास नहीं बात नहीं लगी लेकिन उसकी इस आदत को उस आदमी ने नोटिस करना शुरू कर दिया वह कुत्ता अपने मालिक को पूरी रात देखता रहता मालिक जब भी रात में उठता उसका डॉग अपने मालिक को देख रहा होता था यह आदत उस आदमी को बड़ी अजीब लगी क्योंकि किसी सोते हुए आदमी को उससे के डॉग का पूरी रात देखना एक अजीब आदत थी उस आदमी को लगा शायद ये आरामदायक नहीं होगा उसने अगले दिन उस कुत्ते के लिए एक नया बिस्तर लगवा दिया और उसके साथ थोड़ा टाइम एक्सपेंड करने लगा मगर वो कुत्ता हर बार की तरह अपने मालिक को पूरी रात देखता रहता फिर ये बात उसे डॉक्टर को बताई और चेकअप के लिए जानवरों के डॉक्टर की विज़िट कराई डॉक्टर ने बताया कि आपका कुत्ता एकदम ठीक है ये सुनकर वह आदमी और भी ज़्यादा परेशान हो गया काफ़ी सोचने के बाद उस आदमी ने वहीं पर जाना ठीक समझा जहाँ से उस कुत्ते को अडॉप्ट किया जब आदमी ने अपने कुत्ते की सारी रात जग कर देखते हुए रहने वाली बात वहाँ बताई तो वहाँ पर काम करने वालों ने जो बोला वह सुनकर उस आदमी की आंखों से आंसू आ गए असल में बात यह बहुत पुरानी है उस कुत्ते के पुराने मालिक की है इसे रात में घर में शिफ्ट करके पशु आश्रम ले आया था उस वक्त ये कुत्ता सो रहा था उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी इस वजह से उसने सोचा कि वह डॉग की केयर नहीं कर पाएगी जब डॉग सो रहा था तो उसे उसके मालिक ने एक आश्रम में छोड़ दिया इसलिए जब से वो नए मालिक के पास आया है उसके मन में एक नया भय बना रहता है कि उसका नया मालिक भी उसे ऐसे ही छोड़कर कर वहाँ से ना चला जाए ये सारी बात सोच सुनकर वह आदमी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है तथा रोने लगता है घर पर आने के बाद वह अपने कुत्ते को गले से लगाकर बहुत बेहद ज़्यादा रोता है फिर उसने उस ग्रिल को हटाकर अपने कुत्ते को अपने ही बेडरूम में अपने पास रहने तथा सोने के लिए इजाज़त दे दी थी धन्यवाद तो फ्रेंड्स हमें इन जानवरों की भावनाओं को समझना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए ना कि उनकी फीलिंग्स को हर्ट करके उन्हें परेशान करना चाहिए थैंक यू सो मच अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें थैंक यू